हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द डे 7th ऑफ 21 डेज ब्लॉग चैलेंज। तो हमारे चैलेंज को जो है वो एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है और आज है संडे। तो मैं सुबह सुबह उठ के नहा ली थी क्योंकि आज मुझे सुबह सुबह उठ के सब कुछ काम खत्म करना था, वरना अगर मैं थोड़ा सा लेट से उठती तो पूरा दिन जो है वो मेरा बर्बाद चला जाता। मैं यही सोच के उठती कि हाँ यार आज तो संडे है, थोड़ा सा लेट हो जाती, फिर 11 बज जाता उठते उठते, फिर उसके बाद तो लंच का टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा के एकदम फ्रेश होके एक बार रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे अपना कवर्ड भी एकदम साफ करना था। बहुत टाइम, मतलब यहाँ पे आने के बाद एक बार मैंने अपना कवर्ड क्लीन किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आज मुझे टाइम मिल गया थोड़ा सा, तो मैं कर लेती हूँ। और आज के नाश्ते में था काले चने और पूरी। हमारा जो सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है, मतलब नॉर्मली तो 5:30 से 7 बजे तक का रहता है, और जब संडे होता है तो हमारा 7 बजे से स्टार्ट होता है, 8 बजे तक या 9 बजे तक। और रूम आने के बाद मैं पानी में ग्लूकॉन डी मिला के पी रही थी, क्योंकि अपने बॉडी को जो है हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत गलत बात है, पीना चाहिए। मैं 2 लीटर से भी कम पानी पीती हूँ, पूरा दिन में मैं भूल जाती हूँ पानी पीने। क्लास में भी नहीं पिया जाता ज़्यादा पानी, फिर उसके बाद रूम आना, लाइब्रेरी, उस मतलब पिए नहीं जाता है पानी मुझसे। 2 लीटर से भी बहुत कम पानी पीती हूँ मैं, शायद 1 या 1.5 लीटर पीती हूँ, नहीं बस पूरा दिन में वो भी। और आप लोगों का जो संडे है वो कैसे रहा, मतलब प्रोडक्टिव रहा नहीं रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है वो मंडे को अपलोड होगी। तो ज़रूर बताना, मतलब सच बताना कि आप लोग ने क्या क्या पढ़ा और रिवाइज किया कि नहीं किया, कितना पढ़ा नहीं पढ़ा, सच बताना। क्योंकि देखो, आप किसी और से झूठ बोल सकते हैं, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कभी आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मुझे सच सच बताना कमेंट में कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, और रिवाइज कितना कितना किया, कितना घंटे आपने संडे में पढ़ा, ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि आप लोगों को भी रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने संडे जो है वो अपना प्रोडक्टिव बनाया कि नहीं बनाया। देखो संडे कैसा दिन होता है ना, हम सोचते कि यार हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। देखो मैं पहले क्या करती थी ना कि ये क्या बोलते हैं, सैटरडे को ना बहुत लेट तक जगती थी, बहुत लेट तक, कि हाँ कल तो संडे, मैं थोड़ा लेट भी उठ जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। बट इससे ना हमारा टाइम किल होता है बहुत ज़्यादा वाला, क्योंकि देखो रात में ना, जैसे अगर आप रात में पढ़ भी रहे हो ना, तो सुबह हम लोग लेट उठते हो तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि रात में तो हम लोग सोच लेते कि हमने इतना इतना पढ़ लिया है, तो सुबह सुबह हम लोग लेट उठते और वो लेट इतना ज़्यादा लेट हो जाता है कि हमारा पूरा टाइम किल कर देता है, पूरा दिन हमारा बर्बाद कर देता है। फिर हम सोचते हैं कि चलो यार आज तो संडे ही था, बट संडे को भी हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो एक बार ट्राई करना कि आप लोग सैटरडे को है ना, नॉर्मल डेज में आप जितना सोते हो, जैसे कल आपकी क्लास है या कुछ भी है, तो जितना आप नॉर्मल डेज में सोते हो उतना ही आप सैटरडे में भी सो जाओ। उसके बाद जो है वो सुबह सुबह जितने टाइम पे आप उठते हो, चलो 1 घंटा थोड़ा लेट उठ जाओ, 1 घंटा थोड़ा, मतलब 1 घंटा लेट उठ जाओ नॉर्मल डेज से, तो फिर पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव जाएगा, क्योंकि आपकी नींद कंप्लीट होगी, नींद आपकी पूरी हो गई होगी और बस आपको रिवाइज करना होगा और क्वेश्चंस वगैरह करने होंगे। वरना अगर आप सैटरडे को लेट जगोगे तो आप बिल्कुल भी अपना संडे जो प्रोडक्टिव नहीं बना पाओगे। प्लीज ये जरूर ट्राई करना।
सच में मैंने मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट जगती थी सैटरडे में और मेरा संडे जो है वो बिल्कुल बर्बाद चला जाता था। तो अभी मैंने जब ट्राई किया कि हाँ मैं संडे में नॉर्मल डेज में जितना ही सोती हूँ उतना ही, मतलब जितने टाइम पे मैं सोती हूँ उतने टाइम पे मैं सैटरडे को भी सोती थी, फिर उसके बाद जो है मेरा संडे जो है वो पूरा प्रोडक्टिव जाता है, पूरा मैं रिवाइज भी कर पाती, उसके बावजूद भी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम बच जाता था। और संडे को ना आप लोग बहुत कुछ नया ट्राई कर सकते हो, मतलब अगर आप टाइम से उठो और टाइम से सो जाओ ना अपना, तो एकदम बहुत ज्यादा टाइम बचता है आपका पढ़ने के बाद। अगर आपका एक टास्क है अगर आपको वो कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद एकदम आप फ्री हो जाते हो कि हाँ हमारा जो आज का टास्क था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपने उसके बाद भी पढ़ना है तो थोड़ा और पढ़ सकते हो, वरना अगर आपको वॉक करना है या आपको घूमने जाना है या कुछ करना है तो आप संडे में कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करना कि हाँ आप सैटरडे को जल्दी सो जाओ और संडे को जो है जल्दी उठो, ये चीज जो आपका टाइम किल नहीं करेगा, सच में विश्वास करो आपका बिल्कुल भी टाइम किल नहीं करेगा। और ये चीज अगर ट्राई करने के बाद अगर आपका प्रोडक्टिव डे रहा तो प्लीज जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और एक चीज आज मैंने नोटिस की, जब मैं रिवाइज कर रही थी, जब मैं क्लास जाती थी और वो जो टॉपिक जो पढ़ाया जाता था तो मैं रूम आके उसको रिवाइज करती थी, फिर सॉल्व करती थी क्वेश्चंस वगैरह। तो आज जब मैं पूरा रिवीजन करी थी एक साथ, मतलब तीनों जब चैप्टर्स के, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स के मैं रिवीजन कर रही थी आज, तो मेरे को बहुत सारे डाउट आ रहे थे, जबकि वो चीजें मैंने सॉल्व करके, जबकि वो क्वेश्चंस वगैरह मैंने खुद सॉल्व कर रखी है और वो चीजें मुझे क्लास में समझ भी आ रखी है, बट फिर भी आज मेरे को इतने सारे डाउट आ रहे थे, क्योंकि मैं वापस से वो जो पूरा एक हफ्ता का जो मैंने पढ़ा था मैं उसको रिवाइज कर रही थी, फिर भी मेरे मन में इतने सारे डाउट आ रहे थे, जबकि मैं वो हर दिन पढ़ती थी और हर दिन उसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रही थी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो पढ़ते हो वो एक हफ्ते का पूरा आप संडे में उसको रिवाइज करो, क्योंकि सच मतलब अभी तो कुछ चैप्टर्स ही हुए हमारे इसमें, अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी तो एक दो चैप्टर्स ही चल रहे हैं, फिर भी मुझे इतना ज्यादा डाउट आ रहा है इसमें कि हाँ, जबकि एक हफ्ते का मैंने जो पढ़ा हुआ है फिर भी आज मुझे, जबकि हर एक दिन मैंने उसको रिवाइज किया है, फिर भी मुझे आज उस चैप्टर्स में जो है बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है, टॉपिक में भी डाउट आ रहा है, क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे। तो मैं मंडे को जाके डाउट काउंटर जाऊंगी और सब कुछ क्लियर करूंगी इसको, जो भी मेरा आज डाउट आ रहा था। और ये चीज प्लीज आप लोग ना ये चीज जरूर करना कि हाँ जो आप पढ़ते हो हफ्ते में या पांच पांच दिन में या चार चार दिन में, प्लीज उस चीज को ना रिवाइज करो, रिकॉल करते रहो, क्योंकि बाद में ना एक महीने का बर्डन आ जाएगा आप पे जब टेस्ट होता है। अभी 18 तारीख को मेरा टेस्ट भी है, तो उस चीज के लिए भी मैं रिवाइज करी थी कि मुझे लगा कि ठीक है साथ साथ मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी और रिविजन भी मेरा साथ साथ जो है वो चलता रहेगा, बट कुछ चैप्टर्स ही हुए फिर भी मुझे इतने सारे डाउट आ रहे थे आज। आज तो डाउट काउंटर होता नहीं खुला, मतलब आज संडे है तो कल मंडे में जाके मैं जरूर उसको क्लियर करूंगी, क्योंकि अभी मेरे को 18 तारीख को पेपर भी देना है, मतलब मेरा टेस्ट है अभी 18 को। तो 1 बजे तक मैं पढ़ी रही थी, उसके बाद मैं गई नीचे मेस में खाना खाने के लिए, और मैं आज जल्दी खाना खाने के लिए गई थी क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, फिर रोटी के लिए रुकना पड़ता है, फिर दाल खत्म हो जाता है कभी कभार, तो ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी जल्दी खाना खा के ऊपर चली जाती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ना भी था मुझे और आज बाहर भी जाना था। आज मैंने ना अपने भाई के बर्थडे पे बहुत कुछ खाया, मतलब बहुत कुछ। सबसे पहले मैंने सॉफ्टी खाई, फिर उसके बाद बर्गर पिज्जा बिरयानी, बहुत कुछ खाया आज मैंने। बर्थडे मेरे भाई का है और मजे मैं यहाँ पे कर रही थी। तो यहाँ पे डोमिनोज का पिज्जा नहीं होता, यहाँ पे रोमिनस का पिज्जा होता है। यहाँ पे डोमिनोज आपको दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देगा, उसका भाई यहाँ पे रोमिनोज होता है। फिर उसके बाद मैं रूम गई, रूम में मैंने बिरयानी ऑर्डर किया और बर्गर ऑर्डर किया। अब आप लोग ये मत पूछना क्योंकि हर इसमें बिरयानी दिखेगी आपको, देखो बिरयानी मेरी फेवरेट है यहाँ की, तो बिरयानी तो बनता ही है। बिरयानी मैं हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर खाती हूँ। फिर उसके बाद टाइम हो गया था डिनर का, और खाने में था पनीर ग्रेवी और दाल बाटी चूरमा करके कुछ था,
और नमकीन चावल थे, बट मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। मैं एकदम फुल थी क्योंकि मैंने दिन में इतनी सारी चीज़ें खा रखी थी कि मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। पर मैं मीठे में खाने के लिए आ गई थी क्योंकि स्पेशल में जो है वो मीठे में कुछ ना कुछ चीज़ें देते हैं हमारे हॉस्टल में, सभी हॉस्टल में जो स्पेशल होता है तो मीठे में कुछ ना कुछ देते ही है। तो आज के मीठे में था कुल्फी, मतलब आइसक्रीम थी आज। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, तो मैं इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करती हूँ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।